हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी वेज नूडल्स की रेसिपी एकदम अनोखे अंदाज में। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े टमाटर को कट कर लिया है, दो बड़े प्याज को भी मैंने बारीक कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने दो गाजर को भी बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़े से मटर को भी छील करके रख लिया है और तीन हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब मैं इन सबको फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम हो चुका था और इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने 40 ग्राम यूज किया है और ऑयल गरम हो चुका है। इसमें मैं हरी मिर्च और प्याज को डाल करके हल्का सा सॉटे करूंगी और अब मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स को डाल करके उसे लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें नूडल्स मसाला ऐड करूँगी। नूडल्स मसाला ऐड करने के बाद इसे मैं एक मिनट तक भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसमें मैं नमक का यूज नहीं करूँगी क्योंकि इस मसाले में ऑलरेडी नमक होते हैं, इसलिए मैंने नमक इसमें नहीं डाला है। यहाँ पर मैं ग्रेवी वाली नूडल्स बना रही हूँ इसलिए मैं पानी इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप सूखा नूडल्स बनाना चाहते हैं तो पानी कम ऐड करें। ज़रूरत के अनुसार मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब मैं नूडल्स को तोड़ करके इसमें ऐड कर दूंगी। इसे मैं अभी चलाऊंगी नहीं जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब ये कुक हो चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और लास्ट में मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी। तो ये हो गया फाइनल लुक और अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बिल्कुल ही कम मेहनत कम समय में वेज नूडल्स की रेसिपी बन करके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।